सुपर ब्यूटीज, हाउ आर यू ऑल टुडे? वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैंने काफी दिन हो गए हैं वीडियोस अपलोड करे हैं, बट आपसे ऐसे फेस टू फेस हैप्पी न्यू ईयर मैंने बोला ही नहीं। हैप्पी 2023 टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग के भी बहुत सारे प्लान्स होंगे इस न्यू ईयर को लेके, बहुत सारे बिग अचीवमेंट्स होंगे। कुछ लोग कुछ सोच रहे होंगे अपने माइंड में और कुछ लोग को कुछ अचीव करना होगा, इजंट इट? तो मेरे भी बहुत सारे रिजोल्यूशन, बहुत सारे गोल्स हैं इस न्यू ईयर को लेके। तो सबसे पहला गोल तो मेरा है, तो मुझे ना अपने लिए एक प्रॉपर एक वैनिटी टाइप का कुछ चाहिए था, जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स और अपना मेकअप स्टफ सब कुछ रख सकूं। तो यहां पर है मेरे पास ये एक वैनिटी कम अलमीरा वार्डरोब, जो कि मैंने रिसेंटली अपने उस वाले रूम से अपने स्टूडियो रूम में शिफ्ट करी है। पहले ये मेरी जो थी क्रॉकरी यूनिट थी, इसमें मैं जो है अपने स्नैकिंग्स वगैरह रखती थी एंड कुछ क्रॉकरी रखती। आज मैं आपको शो करूंगी कि कैसी है। सो लेट मी ओपन दिस वन, और आप देख सकते हो इसमें काफी सारे मेरे स्नैक्स हैं अभी भी। तो चलो इनको वन बाय वन करके रिमूव कर देते हैं। टन टन। ठीक है, तो अब ये पूरी एम्प्टी हो चुकी है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा मेरा फाउंडेशन का बास्केट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने सारे फाउंडेशन रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर देती हूँ। ओके, देन इसमें इसके बाद में मैं यहाँ पर जो है ज्वेलरी लगाने की सोच रही हूँ। कितने सारे मेरे पास ज्वेलरी के जो है कंपार्टमेंट है, एक एक का है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स माय बैंगल बॉक्स। इसमें सारे बैंगल्स हैं, देन ये सारी ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं। इसमें ज्वेलरी है मेरी, और ये कुछ मेरा एक पूरा सेट है जो कि काफी एक्सपेंसिव है, वो है। ठीक है, तो यहां पर मेरी ज्वेलरी आ जाती है। नाउ मैंने एक बास्केट में जो है अपने आई पेंसिल्स रखे हुए हैं, ये सारे मस्कारा वॉन्स हैं, आईलाइनर हैं, वो रखे हुए हैं, मैं यहां लगा देती हूँ। एंड देन दिस स्मॉल बास्केट हैज माय लिपस्टिक्स। अभी पूरी नहीं है लिपस्टिक्स, थोड़ी सी है, आधी मेरी उधर रखी हुई है, मैं उसको भी जल्दी से लेकर आऊंगी, फिर इसमें ही अरेंज करूंगी। तो ये हो गया। नाउ अभी मैं सोच रही हूँ कि इधर जो है मैं अपना हेयर केयर लगाऊंगी, तो चलिए हेयर केयर लगाते हैं। तो हेयर केयर के लिए मैंने ली है ये वाली बास्केट, इसमें मैं लगाऊंगी अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स। तो ये है गाइस ड्रायर की तरफ से मेरे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि आपको भी पता है कि मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था अभी रिसेंटली, तो मैंने क्या किया कि ट्रायर.com पे मैं गई और मैंने यहां पर जो है इनकी वेबसाइट पे अपना चेकअप किया। तो उसके बाद में जो है यहाँ के डॉक्टर्स हम लोगों को कुछ रेकमेंड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। ओके, तो मेरे किट में आए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले है ये ट्रायर का स्कैल्प ऑयल। ठीक है, तो ये काफी मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। आप इसको जो है एक दिन पहले लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से बालों में अपने मसाज कर लो, और अपने रूट्स को ना बहुत ही अच्छे से मसाज करो, जिससे कि आपके ये रूट्स के अंदर तक पहुंच जाए स्कैल्प में, और वहां से जो है ये अपना वर्क दिखाना चालू करेगा, आपके रूट्स को जो है स्टिमुलेट करेगा। तो ये सारे ही जो है बहुत ही अच्छी फॉर्मुलेशन है, बिकॉज इट इज आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, तो ये आपकी हेयर पे जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। Then secondly I have is this one. This is a shampoo from Traya. This is a defense shampoo from them. तो ये जो है आपके हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए, अगर आपके काफी हेयर फॉल हो रहा है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज इसमें है विटामिन B3 और इसमें जो है पैराबेंस बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया गया, सल्फेट बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया गया, तो ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो गया। तो इसलिए ये मुझे काफी पसंद आया, और ये आप जब ऑयल लगा लो ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप इससे जो है वॉश कर सकते हो अपने हेयर, तो आपके जो हेयर है वो इतना अच्छे हो जाएंगे ना, मॉइस्चर बैलेंस आपके हेयर में रिटेन करके रखेगा। कुछ कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं कि हमारे बालों का जो है मॉइस्चर ड्रेन कर देते हैं, बट इससे ऐसा नहीं होता है, आपके बाल बहुत टेक्स्चर बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है ये। देन नाउ लेट मी शो यू एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट जो कि मुझे लगा। अब मैंने जब इनका टेस्ट दिया था ना ऑनलाइन, तो वहां से निकल के आया कि मेरे हेयर फॉल की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस एंड रात में नींद ना आना, मैं रात को बहुत ज्यादा देर तक जगती रहती हूँ, अपना वर्क करती रहती हूँ, तो उसकी वजह से जो है मेरे को काफी हेयर फॉल हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट मुझे इनका काफी अच्छा लगा, ये है ट्राया का घृत नेसल ड्रॉप।
ये जो है नेसल ड्रॉप्स हैं काफी अच्छी रहती हैं। जब मैंने इसको यूज करा तो मुझे बहुत ही अच्छी सी नींद आई और मैं रिलैक्स होके सो पाई आराम से। मॉर्निंग तक मैं उठी तो मेरी बॉडी इतनी रिलैक्सिंग थी और मुझे ऐसे लगा कि इसने बहुत ज्यादा फायदा दिया है मुझे। देन इसके बाद में एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऊपर से कुछ भी अप्लाई कर लो अपने बालों में, लेकिन आपको जो अंदर चीज आप लेते हो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, विच इज ट्राया हेयर वाइटमिन। तो इसमें जो है DHT ब्लॉकर है एंड बायोटीन है। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बायोटीन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे आपके जो हेयर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो इसमें जो है 30 कैप्सूल्स दी गई है, आप डेली जो है एक कैप्सूल को खा सकते हो और इससे जो है आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है तो वो भी कम होता है। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार ट्राया वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन चेकअप कराइए और आपके किट में जो भी प्रोडक्ट्स ये ट्राया वाले रेकमेंड करते हैं ना उसको जरूर के जरूर यू नो कंज्यूम करिए, अप्लाई करिए, जिससे कि आपका हेयर फॉल भी रुक सके जस्ट लाइक मी। तो यस, मैंने दी है इससे रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी वैनिटी के साथ में। तो मैंने जो है इसको स्टैकर्स बाय किए हैं, दो स्टैक मतलब ये स्टैकर्स बाय किए हैं, ये 4 in numbers आए हैं, तो ये मैंने अमेजोन से बाय किए हैं। अब इसमें क्या है कि आप अपने कुछ भी छोटे छोटे से जो भी चीजें होती है ना वो रख सकते हो, लाइक अब मान लो मेरी लिपस्टिक्स ही हैं तो मैं लिपस्टिक को ही इस तरीके से रख सकती हूँ। लेट मी शो यू, ये कितनी छोटी सी मेरे पास लिपस्टिक है जस्ट हर्ब्स की, इसमें भी मैं रख सकती हूँ इफ आई वांट मतलब। और जैसे लिप ग्लॉसेस है तो मैं अरेंज कर सकती हूँ लिप ग्लॉसेस दूसरे सेक्शन में रख लूं, लिक्विड लिपस्टिक दूसरे सेक्शन में रख लूं और जो मेरी मैट लिपस्टिक है वो मैं दूसरे सेक्शन में रख लूं। तो ये मुझे काफी अमेजिंग प्रोडक्ट लगा। और स्टैक्स जिसमें मैंने अपने डॉटर के जो है सारे हेयर एक्सेसरीज को अरेंज करा है, कितनी प्रिटी लग रही है ना हेयर एक्सेसरीज, आप देख सकते हो। एक में मैंने रबर बैंड रखे हैं, क्लचर रखे हैं, छोटे छोटे से क्लचर्स हैं, फिर मेरे कुछ पार्टी वेयर क्लचर्स हैं और इसमें सारा कुछ आन्या का स्टफ है। लेट मी शो यू, जैसे कि ये छोटी सी हेयर क्लिप्स है, ये है टिक टैक्स हेयर क्लिप्स और ये क्लचर्स हैं उसके छोटे छोटे से, हेयर पिंस हैं और इसमें जो है इसके डेली वेयर के रबर बैंड्स मैंने रखे हुए हैं। तो ये भी जो है मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर दूंगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये ना स्पेस नहीं लेगा, बहुत ही कम स्पेस में ये जो है आपका पूरा सामान आ जाएगा। अगर आप और भी बाय करना चाहो तो और भी इसके ऊपर दो बाय करके अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। नाउ ये है मेरा आई शेडो पैलेट का बॉक्स, तो वो भी मैं यहाँ रख देती हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके सो ये अभी मेरा पूरा मेकअप नहीं है, मेरी जो बेडरूम है उसमें मेरी पूरी बड़ी वैनिटी है मेकअप की। ये मेरा थोड़ा सा स्टफ है जो कि मैं मेकअप लाइक वीडियोस के लिए जो मैं यूज कर सकती हूँ, तो वो मैंने जो है यहाँ पर अपने सब कुछ अरेंज कर दिया। अभी पूरी फिल करूंगी जब एलमीरा अपने सारे प्रोडक्ट्स इसमें लगाऊंगी, तो मैं जल्दी ही आपको टूर दूंगी। सो वेट फॉर दैट टू, वो वीडियो आपके लिए बिल्कुल बना के मैं शूट करूंगी। ओके तो यही था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक जरूर करना और मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और ट्राया की वेबसाइट पे जाके अपने लिए हेयर टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपके भी हेयर फॉल जो है वो रिड्यूस हो सके। ओके तो चलिए मिलूंगी किसी और वीडियो में, लव यू ऑल, बाय। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी न्यू वैनिटी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।